तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में एक बात कही थी आपसे कि हम लोग जाने वाले हैं पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, लेकिन प्लानिंग में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल देवराज शर्मा। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि संडे को प्लानिंग रखते हैं जाने का पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, लेकिन प्लानिंग में थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को समय देना चाहिए थोड़ा सा भक्ति भावना में भी। तो आज हम अपने एक नए टीम मेंबर के साथ जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल पटना में। तो आइए इनसे मिलिए और आपको बताएंगे कुछ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रद्युम्न कुमार। और इस्कॉन इज स्टैंडिंग फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसियसनेस। जी बिल्कुल। और ये मेरे आपको बता दें कि ये जो हैं प्रद्युम्न जी हमारे अजय भाई के रूममेट हैं। और अजय से भी मिलिए, यहाँ पे साइड में हैं, आप देख सकते हैं। से समथिंग अबाउट, कैसे हैं आप लोग? आप लोग से मैं मिल ही चुका हूँ, आप लोग तो मुझे जानते ही हैं। आज थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर होते हैं। जी बिल्कुल, अपने आप को मैं तो यही कहूँगा कि चमक दमक की दुनिया में तो हम लोग हमेशा चकाचौंध रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को भगवान के दरबार में समय देना चाहिए। तो अभी चलते हैं इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे थोड़ा सा चैंटिंग करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर अजय और मिस्टर प्रद्युम्न दोनों एक प्योर डिवोटीज़ हैं। तो चलते हैं, और शायद धार्मिक जगहों पर हम ब्लॉग शूट ना कर पाएँ, लेकिन देखते हैं जहाँ तक हो सके आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाद में भी जानकारी देंगे, लेकिन वहाँ पे टेम्पल में तो भाई ब्लॉग, अगर आप एक सच्चे ब्लॉगर हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ब्लॉग शूट करना है, कहाँ पे ब्लॉग नहीं शूट करना है, क्योंकि ये आपको समझ होना चाहिए। तो फिर चलते हैं और बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन पर। ये आप देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पर, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर। और आपको यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन दे देते हैं। आप इधर देख सकते हैं, लहासा मार्केट है इधर, और इसका अपोजिट में ही है ये इस्कॉन टेम्पल। तो आप अभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, शांति मिलेगी आपको यहाँ पर आने से। तो अब चलते हैं अंदर और ब्लॉग को स्टॉप करते हैं, और हो सके तो अंदर में कुछ शूट करके आपको दिखाएंगे। वैसे यहाँ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, देख लेना। एक जानवर, उसको चारा की ज़रूरत है, तो किसान क्या करता है वाला, उसको बांध देता है खूंटे से और उसकी लंबी सी रस्सी में उसको बांधता है, क्यों? ताकि उस पेरिफेरी में वो जितना चारा है लेना है उसको ले, वो ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ही वो उस पेरिफेरी से बाहर अगर उसका और नॉलेज बढ़ता है तो क्या होता है, सीधे गर्दन उसका फटता है। हमारी यही स्थिति है, लिमिटेड हमें लिबर्टी दी गई। दोस्तों, अभी बता दें आपको कि अभी अंदर क्लास में चल रहा है भागवत गीता का 5वां अध्याय का श्लोक नंबर 13, 14 और 15 अभी चल रहा है। लेकिन अभी हम आए हुए हैं थोड़ा बाहर, मतलब थोड़ा क्या बोलते आवा हवा यहाँ का बाहर का लेने, क्योंकि अंदर में बैठ बैठ के थोड़ा पैर अकड़ गया था। और चैंटिंग कर रहे थे महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इसे महामंत्र कहा जाता है इस्कॉन का। तो अभी ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल। तो अभी हम लोग अभी हम बाहर से थोड़ा फ्रेश हो गए, अभी फिर जाते हैं अंदर और क्लास को अटेंड करते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं तो आप यहाँ पर कभी समय निकाल के ज़रूर आएँ, यहाँ पर शांति मिलती है। और कभी कभी चकाचौंध की दुनिया से बाहर आइए और समय दीजिए थोड़ा भक्ति भावना में, ये ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। Yeah.
तो फ्रेंड्स, अब आरती संपन्न हो चुका है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं प्रसादम की ओर, प्रसादम ग्रहण की ओर। तो प्रसादम ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। और आरती में हम लोग का एनर्जी काफ़ी बूस्ट हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी पसीना पसीना। तो अब चलते हैं और बात करते हैं। प्रसाद का नियम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपको फ्री में टोकन दिया जाता है, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है। और आपको बता दें कि आज पुत्रता एकादशी था ऐसा कहा जा रहा था, और इस कारण से आज से जो आज का जो यहाँ पर प्रसादम था वो विदाउट नमक बना, मतलब विदाउट नमक था, उसमें नमक नहीं थे। और प्रसाद में आपको बता दें कि नॉर्मल खीर था, और फिर आलू पपीता का सब्ज़ी था देसी घी के साथ विदाउट नमक, उसके बाद फिर बादाम फ्राई था, बादाम को उबाल करके फ्राई किया गया था देसी घी के साथ विदाउट नमक। तो प्रसादम ग्रहण करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हुआ। उसके बाद फिर पत्ते को खुद से उठा करके डस्टबिन में फेंकना है, उसके बाद सारे चीज़ के प्रबंध थे वहाँ पर पानी के। तो चलिए अब आगे की ओर रुख मुड़ते हैं, और शायद बाहर निकलने के बाद देखते हैं क्या होता है। हम लोग का यहाँ पर भक्ति सेवा में प्रसादम और प्रसादम सेवा हो गया, अब यहाँ से हम लोग रूम की ओर प्रस्थान करते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी रूम पे बताते हैं। जी बिल्कुल, चलिए। हरे कृष्णा, मैं प्रद्युम्न कुमार। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, आज पुत्रदा एकादशी है जो कि भगवान का बहुत ही प्रिय एकादशियों में से एक है। हर 15 दिन में एक एकादशी होती है। आज के दिन में हम लोग सुबह से एकादशी के और शाम को जब हम लोग का टेंपल की ओर रुख हुआ, और वहाँ पे हम लोग कृष्ण भक्ति के बारे में और पुत्रदा एकादशी के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। यहाँ पे पटना जंक्शन के बगल में इस्कॉन नामक एक संस्था, जिनके फाउंडर श्री आचार्य एस सी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी महाराज हैं, जिनका गठन आज से लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। और यह वर्ल्ड में 193 देश से प्लस में इनका मंदिर है। तो आज जब हम लोग टेंपल पहुँचे तो सबसे पहले हम लोग दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद वहाँ से हम लोग लेक्चर क्लास जो कि स्कूल में हर बुधवार को 6:30 बजे से और रविवार को 5 बजे से होता है, इस भगवत क्लास में प्रसादम कीर्तन और भगवत गीता के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जो कि इस चकाचौंध की दुनिया से बच के रहने के लिए और अपने जीवन का सही गोल पाने के लिए, इसमें प्रभु जी बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को अपने गोल को कैसे जल्द से जल्द पा सके इसके लिए बहुत कुछ बताते हैं। और हम लोग के धर्म के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। यह एक आज के युवाओं को जो गलत विचार या फिर संगत से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं उसके लिए सबसे बेहतर और बहुत ही उपयुक्त यह क्लास है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपना रूम, और हो चुका है यहाँ का वीडियो एडिट, और आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे बना है, और थोड़ा सा समय निकालिए भक्ति भावना के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, वंदे मातरम।